बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का आलू अंडा का सालन, जो सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगता है। आलू अंडा का सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनको कटिंग कर लिया है, 8 से 10 अंडे हैं जिनको बॉयल कर लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1/2 kg आलू हैं जिनको कटिंग कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, धनिया है, जो गरम मसाला पाउडर है वो 1 टेबल स्पून है, ये तो कुछ स्पाइसेस नहीं है, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, 2 चक्के जो हैं वो दालचीनी की, और 1.5 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जो है ना वो नमक है, 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है। दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में, आप यूज़ किया करें, बहुत ही फ़ायदा देती है। साथ ही इधर हमने एक कढ़ाई में जो है ना वो ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन शेड का करेंगे, आप स्पाइस जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्च अपनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं लाइट मिर्च खाती हूँ, इस वजह से मैं लाइट डालती हूँ, कम डालती हूँ मसाले। आप भी अगर कम खाते हैं तो आप कम यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा प्याज जो है बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो गया है, कितना खूबसूरत शेड आया है इसका। अब हम इसमें साथ ही पानी ऐड कर देंगे, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और ये वाले स्पाइसेस ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 8 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। जी हमारे 8 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसका कवर एक साइड पर करेंगे। और चेक करेंगे जी हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह गल चुका है, और साथ ही हम इसमें जो ये गरम मसाला पाउडर था वो ऐड करेंगे, और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन हम इसकी 5 मिनट जो है ना भुनाई करेंगे। ये भुनाई हमारी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, ये जो है ना ऑयल एक साइड पे हो गया, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया और ऑयल में ही हमारी भुनाई हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू जो मैंने काट के अच्छी तरह से धो के रखे हुए हैं, हम थोड़ा सा आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में हमारे जो आलू हैं थोड़े से वो क्रिस्पी हो जाए। बहुत इजी और सिंपल सी डिश है जी। अब हम इसमें आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी करेंगे ऐड, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें अपने जो एग बॉइल किए थे वो ऐड कर देंगे, और इसमें जो 3 हरी मिर्ची रखी थी वो ऐड कर देंगे, और इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारे जो आलू है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम वेट करेंगे कि हमारे आलू कब तक गलते हैं, जैसे ही हमारे आलू गल जाएंगे तो हम इसको डिश आउट करेंगे जी। अब हम कवर एक साइड पे करते हैं और चेक करते हैं हमारे आलू की कंडीशन। जी माशाल्लाह हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सालन बनता है और बहुत ही ईजीली बन जाता है, कम टाइम में आपको एक मज़ेदार रेसिपी खाने के लिए मिलती है। जी आलू अंडों का सालन जो है हमने वो डिश आउट कर दिया है, देखिए कितना माशाल्लाह मज़े का लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पाइस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इसमें स्पाइस अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं,
ये बहुत ही सिंपल तरीके से आसान सी डिश है, जो मज़े की डिश है, जो आप आसानी से बना लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने इस तरह से आलू भंडो का सालन बनाया है और आपका कैसा सालन बना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।